बैठिए प्लीज बैठिए बैठिए गाइस, आपको कुछ दिया हुआ था क्या? मतलब डीपी 2-3 को डिस्कशन के लिए बोला था? क्या बोला था? हाँ वो तो है, बेसिक तो कुछ पढ़ाया जाएगा, जो बचा हुआ है वो अपन करेंगे, सबसे पहले तो वही करेंगे। लास्ट टाइम जैसा मेरे को याद आ रहा है अपन ने रेजोनेंस को डिस्कस किया था क्या? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुकेशन, एरोमेटिसिटी, है ना, उसके अलावा भी कुछ किया था, हाइपर कॉन्जुकेशन कैसे वर्क करता है ये बात अपन ने देखी थी। ओके ओके ओके, चलो हाँ थोड़ा तो पढ़ेंगे फिर अपन आगे क्वेश्चंस वगैरह पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आज का जो सेशन है इसमें मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ अपन सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में थोड़ा सा बात करनी जरूरी है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यू नो जेई मेन में तो अगर खासकर बात करें तो जो अपना ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट है इससे तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अमाइंस वाले चैप्टर में अलग से प्रॉपरली दिया हुआ है, तो एक्चुअली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, लेट अस स्टार्ट और फिर अपन क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। सीपीपी जो 3-3 आपको मिल गई क्या? 3 वाली मिल गई क्या आज? ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए सबसे पहले हाइपर कॉन्जुकेशन के एप्लीकेशन में, और उस सब में ही आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या करने वाले। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है ना, देखो वैसे बताऊं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हो गया, हीट ऑफ कंबशन हो गया, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, कम होते हैं, लेकिन आ तो सकता ही है, ठीक है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि कभी कभी आता है, कभी कभी ही आता है, पर स्टिल थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि किन फैक्टर्स पे कैसे कंपेयर करते हैं, हाउ टू कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है ये होता क्या है, व्हाट इज दिस। तो देखो यहां पे फॉर एग्जांपल ये एल्कीन अपने पास है, और इस एल्कीन में अगर मैं देखूं तो यहां पे मान लो मैंने डाल दिया हाइड्रोजन और साथ में कोई कैटलिस्ट ले लिया, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर पाई बॉन्ड टूटा, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद यहां पर आ गए हाइड्रोजन। ये जो प्रोसेस होता है आप सभी जानते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं बोलो? वेरी गुड। अब ये जो हाइड्रोजिनेशन है इसमें पाई बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड टूट रहा है, जो यहां बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? सिग्मा। ये बताओ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है? कौन सा बॉन्ड होता है? वेरी गुड। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है या गेन होती है? बॉन्ड बनता है एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि यहां पे एनर्जी रिलीज क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, रिलीज ज्यादा हो रही है, मतलब पॉइंट इज दैट ओवरऑल क्या होगी? रिलीज होगी, ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी। तो प्रोसेस जो हुआ, ये प्रोसेस बताओ सभी के सभी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होगा? एक्सोथर्मिक, द प्रोसेस वुड बी एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, यानी जब ये पूरा मोल, पूरे सब्सटेंस का पूरा मोल, एक यूनिट नहीं पूरा मोल, मोल समझ रहे हो ना, मोल अपना क्या हो गया? अवोगैड्रो नंबर। इतने यूनिट्स जब हाइड्रोजनेशन करते हैं उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आपने देखा होगा जो भी स्टैंडर्ड जो भी हीट है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ कंबशन, सब में क्या होता है? पर मोल होता है। और मोल को डिफाइन करने का मतलब रीजन भी वही हुआ है, मोल को डिफाइन क्यों किया गया? क्योंकि एक यूनिट, एक इंडिविजुअल यूनिट को एक तो मेजर नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत ही छोटी यूनिट हो जाती है कि एग्जैक्टली वो यूनिट कैसे करेगी। एक मोल से अपने को पता लग जाता है कि एग्जैक्टली यू नो मतलब जो वैल्यू आने वाली है वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है, तो इसीलिए पर मोल आ जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, इतना सा लिख लो, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, लिख लो ये बना लेना, लिख लो एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, one mole of a substance undergoes complete hydrogenation, undergoes complete hydrogenation, जब इसका एक मोल पूरा हाइड्रोजिनेट हो जाता है उस समय जो एनर्जी निकलती है वो HOH होती है। नाउ द पॉइंट इज कैसे कंपेयर करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, यहां पे अगर हम बात करें, जैसे यहां पे पाई बॉन्ड है दो, मान लीजिए एक की बजाय दो हो गए, अब यहां पे पाई बॉन्ड अगर दो हैं तो पाई बॉन्ड दोनों टूटेंगे, पाई बॉन्ड दोनों टूटने के बाद सिग्मा बॉन्ड भी क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे, यानी जो प्रोसेस यहां पे एक बार हुआ है यहां पे वो प्रोसेस कितनी बार होगा? दो बार। अगर ये प्रोसेस यहां पे दो बार होगा तो एनर्जी भी रिलीज क्या होगी? दो बार,
एक तरह से रिलीज तो एक बार होगी, लेकिन कहने का मतलब आप समझ गए हो कि यहां पे प्रोसेस दो बार हो रहा है तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, डबल होगी नहीं होगी वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बात होती है, लेकिन एनर्जी यहां पे क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। यानी सबसे पहला फैक्टर जो हमें एचओएच के कंपैरिजन में देखना होता है गाइस, वो क्या होता है, पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, हाइड्रोजनेशन अगर ज्यादा होगा तो ऐसे केस में एनर्जी रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहला लिख लो, इनिशियली चेक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, लिख लो इनिशियली चेक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को चेक करें, इनिशियली चेक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है ना, उसका लिखो एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा याद रखिए इसमें भी एक्सेप्शन वगैरह होती है, लेकिन अपने को उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, मतलब पॉइंट इज दैट एक्सेप्शन वही इंपॉर्टेंट होती है जो एनसीईआरटी में दी होती है, बहुत ही कॉमन होती है, बहुत ज्यादा कॉमन होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो मान लो ये तो हो गया, जैसे मान लो अब इसको कंपेयर करना है और फॉर एग्जाम्पल इसको कंपेयर करना है, तो क्लियरली दिख रहा है कि एचओएच इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अब अगली बात मान लो दोनों के दोनों कुछ ऐसे हैं, एक तो कुछ ऐसा है और एक है कुछ ऐसा, यानी दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। जब दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आ रहे हैं तभी अगला रूल लगाना है, जैसे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आरएस जो होते हैं, याद है उसमें कितने रूल बताए थे मैंने आपको, चार। चार रूल में एक सीक्वेंस में फॉलो करना है ना, सीधा चार्ज पे जंप नहीं कर सकते, पहले क्या देखना होता है, ऑक्टेट, यानी मतलब वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यानी रूल का सेट होता है, सीक्वेंस होता है। सिमिलरली यहां पे भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस में सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो पहली चीज क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। वो अगर सेम हुए तभी आप किस पे जाओगे, स्टेबिलिटी पे। तो यहां पे स्टेबिलिटी कम होती है तो एचओएच क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना, स्टेबिलिटी कम तो एचओएच ज्यादा, कैसे इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखो ये जो दोनों है, ध्यान से देखो इस वाले केस में, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बताओ गर्ल्स एंड बॉयज जल्दी से, यहां पे कितने अल्फा एच है, बोलो सभी के सभी कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच। यहां पे बोलो कितने अल्फा एच है, हाँ अभी बोलो 6 अल्फा एच 2 अल्फा एच। ऐसे केस में जिसमें अल्फा एच कम है, हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, तो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी तो भाई इसकी ज्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम मतलब एनर्जी क्या होगी, बोलो भाई, वेरी गुड, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे एनर्जी है। अब हम बी की बात अगर हम करें तो यहां पे बी का एनर्जी मान लो यहां पे एक बार के लिए, ठीक है इसको बी मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा ए ना। तो पॉइंट इज ध्यान देना, अब जब हाइड्रोजनेशन होगा तो हाइड्रोजनेशन होने के बाद दोनों में जो चीज बनेगी ना, वो दोनों में क्या बनेगी, सेम बनेगी। दोनों में क्या बनेगी, सेम बनेगी। दोनों में सेम बनेगी तो फाइनल एनर्जी लेवल सेम हुआ, डिफरेंट हुआ, बोलो क्या हुआ, वेरी गुड। तो फाइनल एनर्जी लेवल तो सेम है। ठीक है, अब ये जो गैप है यहां से लेके यहां तक वाला, इतनी एनर्जी ए को लूज करनी पड़ेगी तब जाके यहां पे पहुंचेगा। मान लो ये वाला एनर्जी लेवल फाइनल है, यही इसकी आखिरी मंजिल है जिसकी इसको तलाश है। ठीक है, तो यहां पे ये पहुंचने वाला है और बी को यहां पे जाना पड़ेगा। यानी जितना सब्सटेंस, जितना कंपाउंड अनस्टेबल होगा, जितना कंपाउंड अनस्टेबल होगा उतना एनर्जी लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो उतनी एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। समझ रहे हो सभी? सो एज यू कैन सी कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, अनस्टेबल हुआ तो एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, लॉजिकल सी बात है। तो लिख लो एचओएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एचओएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, ओके लेकिन ये तभी देखना है जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होंगे, सेम होंगे। अगर वो सेम नहीं हुए तो पहले उसी से आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे कई स्टूडेंट क्या करते, गलती वही करते, स्किप कर देते हैं, यार ये बताओ, तभी तो मैं बता रहा हूं सारा खेल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फोकस। अगर आपका पूर्ण फोकस है तो आपको क्लियरली पता होगा कि पहले क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है। जिसका एवरेज फोकस होगा, हल्का फुल्का सुना है, ध्यान तो पूरा है नहीं, तो वो क्या करेगा, ऐसे केस में वो ये करेगा कि अच्छा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, दिमाग में वो रह जाएगा और वो इसको देखेगा, अच्छा स्टेबिलिटी इसमें क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है तो एचओएच क्या हो गया, कम हो गया। ऐसी गलती करते हैं वो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी यार, समझ रहे हो ना आप सभी, ऐसी गलती नहीं करनी। इस तरह से नहीं, पूरा फोकस रखो, जो बताया गया एक एक बात को ध्यान से समझो और अप्लाई करो। तो ये चीज हो गई। ठीक है, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव समथिंग लाइक दिस, यहां पे कुछ ऐसा है, क्योंकि अप्लाई नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। इन चारों का एचओएच कंपेयर करना है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ए बी सी डी। ठीक है, जब पूछू तब बताना है ना, उससे पहले नहीं, पहले आप देख लो, सोच लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
पेशेंस से है ना, रिलैक्स होके आराम से जो बताया है उसको लॉजिकली समझ के। सबसे पहले अप्रोच क्या रहेगी ए बी सी डी में, सबसे पहले देखेंगे हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हमने देखा कि यहाँ पे ए और बी में पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो भाई इन दोनों का एच ओ एच सी ओ डी से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, ये तो लॉजिकल है। मतलब अब ए और बी की बात करते हैं, यहाँ पे ए और बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, ये वाला जो होगा इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, तो लेस स्टेबल है, तो इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो रिलीज भी ज्यादा करेगा। तो ए और बी में ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। अब ध्यान दिया आपने, जब ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं तब हम सी और डी को तो गेम में ले ही नहीं रहे, क्योंकि ये गेम से पहले ही आउट है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, कम है, ठीक है। अब सी और डी में यहां पे लेस स्टेबल कौन है, ये है, अनलेस अल्फा एच है, तो यहां पे आएगा फिर सी, फिर कौन सा आएगा, डी। तो इस तरीके से अपने को सीक्वेंस में काम करना होता है, सीक्वेंस में काम करना होता है, गॉट इट। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है, इस तरह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का फंडा अप्लाई होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, लेकिन इसी पे तो अपन पूरा कर नहीं सकते, ठीक है ना, एज इट इज अ रैंक बूस्टिंग बेसिकली क्रैश कोर्स टाइप है ना, तो उसमें अपने को समझना है, आगे बढ़ना है, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला जो कंसेप्ट अपन देखने वाले हैं दैट इज एक्चुअली क्या होता है, एच ओ सी। हाँ भाई, एच ओ सी फुल फॉर्म बोलो, वेरी गुड। ये होता है हीट ऑफ कंबशन, यानी कंबशन रिएक्शन की बात हो रही है। अब कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जा रहा है, उसको बर्न किया जा रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है CH4, वी हैव CH4, और CH4 का हमने O2 के साथ रिएक्शन कराया, हाई टेम्परेचर पे है, हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और इधर एच भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब उससे क्या बनता है, बोलो भाई क्या बनता है, हाँ CO2 बनता है, और उसके अलावा क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O बनता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। देखो एनर्जी रिलीज होती है, गेन होती है, ये सारा थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है, ठीक है। बाद में बॉन्ड अगर अच्छे बन रहे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, तो यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। अब यहां पे एनर्जी कितनी रिलीज होती है, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे उसको, तो उसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है, जब यहां पे वन मोल ऑफ एक सब्सटेंस का एक मोल जब कंप्लीट कंबशन करेगा, जैसे वहां पे भी वही था, एक मोल का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन था, यहां पे एक मोल का कंप्लीट कंबशन है, जब ऐसा होगा तो ऐसे केस में जो एनर्जी रिलीज होगी पर मोल, दैट इज नोन एज HOC। तो लिख लो जल्दी से, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, ठीक है। देखो अब सुनो, सबसे पहला फैक्टर जो हमें यहां पे देखना होता है वो क्या होता है, कार्बन। अगर यहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, जैसे कि यहां पे आप देखो, यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, बोलो 4 आ रहे हैं, यहां पे कितने आ रहे हैं, 3, यहां पे कितने आ रहे हैं, 5, ठीक है। तो ऐसे केस में जितने कार्बन बढ़ेंगे उतना CO2 ज्यादा रिलीज होगा, उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। यानी पहला फैक्टर, जैसे वहां पे हमने क्या देखा था, पाई बॉन्ड, यहां पे मेजर फैक्टर क्या होता है, वेरी गुड, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो लिखो HOC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, HOC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, HOC नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गॉट इट। तो यहां पे अगर इन तीनों में देखें तो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा हो गया सी में रिलीज हो गया, सी में रिलीज के बाद अगले वाला कौन सा हो गया, ए, और ए के बाद कौन सा हो गया, बी हो गया, दैट इज द पॉइंट, ठीक है, सी ए बी। यहां पे भी देखो, इन तीनों में अगर हम देखें तो क्या होगा, कुछ ये होगा, ठीक है, लॉजिकल सी बात है। स्ट्रेन वगैरह ये सब देखने की आवश्यकता अपने को नहीं है, क्यों नहीं है, वही सीधी बात है, पहले अपने को कार्बन देखना है, स्टेबिलिटी की बात तो बाद में आएगी, स्टेबिलिटी की बात बाद में आएगी। जैसे मान लो अपने सामने आ जाए कुछ इस तरह का क्वेश्चन, ये देखो यहां पे कुछ ऐसा, और यहां पे आ जाए कुछ ऐसा, ध्यान से देखो सभी के सभी, एवरीवन, इनमें नंबर ऑफ कार्बन दोनों में क्या आ रहे हैं, वेरी गुड, नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम आ रहे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी, सेम फंडा, स्टेबिलिटी का सेम फंडा वहां पे एप्लीकेबल है, जो मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लिख लो, इन केस नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, इन केस नंबर ऑफ कार्बन आर इक्वल, इन केस नंबर ऑफ कार्बन आर इक्वल, इन केस नंबर ऑफ कार्बन आर इक्वल,
देन एचओसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तब स्टेबिलिटी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तभी देखना है, मतलब वो अगला रूल पे तभी जाएंगे जब पहले वाले से काम ना चले, तभी अपने को अगले पे जाना है, ठीक है। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं, हाँ ये तो हो गया, तो इसमें इन दोनों में ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी क्योंकि ये लेस स्टेबल है। थ्री मेंबर रिंग में क्या होता है, स्ट्रेन होता है क्योंकि और कुछ कंपैरिजन करने के लिए है नहीं यहाँ पे। स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के कई सारी चीजें होती हैं, एरोमेटिसिटी हो गया, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, नॉर्मल रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव से तो कम ही आता है, न्यूट्रल में तो इंडक्टिव का क्या ही रोल है। तो पॉइंट इज दैट यहाँ पे एज यू कैन सी कि इस बेसिस पे अपने को करना है। अब जैसे ये है इन दोनों में देखा, अब क्या होता है जैसे एच ओ एच का देखने के बाद हमारा ध्यान इसमें पाई बॉन्ड पे चला जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पाई बॉन्ड की बजाय हमें पहले क्या देखना, नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे देखा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, चार। यहां पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, पांच है। तो कौन जीतने वाला है, पांच, बात ही खत्म हो गई। स्टेबिलिटी वगैरह देखने की आवश्यकता अपने को नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पे कुछ और होता, चेंजेस होते तो अलग बात होती, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, तो दिस इज हाउ एच ओ सी इज डन, ठीक है ना। ओके इसको लिख लो आप जल्दी से, जो भी लिखना था लिख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू, एक बार पहले थोड़ा एसिड बेस की बात भी कर लेंगे, उससे पहले एक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात भी साथ साथ कर लेते हैं। जैसे कि देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी अगर हम देखें तो एक तो तरीका ये होता है, जैसे यहाँ पे फिनॉल है और यहाँ पे अपने पास इथेनॉल है ना, ये दो चीज़ें हैं, और कौन सा लें, मान लो ये लेते हैं, चलो वो बाद में लेंगे, पहले इनको कंपेयर करते हैं। यहां पे आपको CO की बॉन्ड एनर्जी, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है, किसकी कंपेयर करनी है, कार्बन ऑक्सीजन की। कार्बन ऑक्सीजन की जब बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है तो यहां पे CO बॉन्ड को क्या मान लिया अपन ने, A, और यहां पे इसको क्या मान लिया, B। बॉन्ड एनर्जी किस पे निर्भर करेगी कि भाई कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मसाला कितना है, मसाला कितना है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है। यहां पे प्योरली सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो। यहां पे क्या ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, क्या इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड होगा, वेरी गुड, क्योंकि ये O का लोन पेयर इस रिंग के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस, रेजोनेंस करेगा तो यहां पे क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, समझ रहे हो सभी। तो सिंपल है, तो ऐसे केस में ये जीत गया, बात खत्म हो गई। एक तो तरीका ये होता है, यानी बॉन्ड एनर्जी का एक टाइप का क्वेश्चन तो इस तरह का बनता है जिसमें हम, समझ रहे हो ना, यही सेम बॉन्ड लेंथ के लिए भी हो जाता है। आप सभी बताओ यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है, इनवर्सली है। अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो प्लस प्लस जो होंगे यानी जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या आने पड़ेंगे, उनको पास आना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बीच में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए न्यूक्लियाई मस्ट बी क्लोजर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पे अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इन दोनों में क्लियरली ये जीत जाएगा क्योंकि यहां पे प्योर सिंगल बॉन्ड है और यहां पार्शियल डबल बॉन्ड भी है, दैट इज द पॉइंट, है ना। तो एक तो ये होता है सच टाइप ऑफ थिंग, एक दूसरा होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दे देते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये है और इसमें कुछ, ठीक है ये मान लेते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे आपको वो दे देंगे कि जैसे यहां पे दे दिया, यहाँ पे एच ए दे दिया, यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे दे दिया एच बी और यहाँ पे दे दिया है एच सी, एच ए एच बी एच सी, ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड डिफाइन कर दिए कि कंपेयर करो इनकी बॉन्ड एनर्जी, है ना। अब इनको कंपेयर करने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज व्हाट शुड वी डू, हमको क्या करना चाहिए इसमें, बताओ तरीका इनका बताता हूँ। ऐसे केस में तरीका होता है इसमें होमोलिसिस करना होता है, होमोलिसिस जानते हो सभी लोग, क्या करना होता है होमोलिसिस में, बोलो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ोगे और क्या बनाओगे, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल एक साथ नहीं बनाने होते, एक एक करके, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बनाया ये वाला रेडिकल, ठीक है। अब ये बनाने के बाद फिर क्या होगा, फिर बनेगा रेडिकल यहां पे, ठीक है, और ये बनने के बाद फिर क्या होगा, यहां पे बनेगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दीज आर द थ्री रेडिकल, अब इन रेडिकल्स की स्टेबिलिटी हमें देखनी है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, इसको रेडिकल को ए मान लेते हैं एक बार, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। सभी बताओ सबसे इसमें अगर रेडिकल की बात करें सबसे स्टेबल कौन से वाला है, बी। बी में पाई बॉन्ड और रेडिकल क्या कर रहे हैं, बोलो भाई सभी, वेरी गुड। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सिंपल हाइपर कॉन्जुकेशन हो रहा है। रेडिकल के बगल में ये क्या होता है, अल्फा एच, तो हाइपर कॉन्जुकेशन है, लेकिन इसमें इसकी जिंदगी बर्बाद है,
क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है ना, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड जिस पे होता है ना उसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन्स की चाहत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की चाहत ज्यादा है। लेकिन अब चाहत ज्यादा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, डेफिशिएंट है, दुख ज्यादा होगा, ठीक है ना। चाहत ही नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, इट्स ओके। लेकिन चाहत हो और फिर इलेक्ट्रॉन ना मिले, यू कैन अंडरस्टैंड, वेरी गुड चुन, आप तो शायद ज्यादा ही अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो यहां पे एबीसी में अगर हम देखें, ठीक है, रेडिकल की स्टेबिलिटी तो आपने देख लिया है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज स्टेबिलिटी को बॉन्ड एनर्जी से कैसे रिलेट करें। अगली बात ये है, स्टेबिलिटी तो आपको समझ में शायद आ गई होगी, होनी चाहिए, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा है, बी, और फिर है कौन सा, सी, और ए इसके अंदर क्या हो रहा है, लीस्ट स्टेबल, ए इसके अंदर क्या हो रहा है, लीस्ट स्टेबल। नाउ द पॉइंट इज बॉन्ड एनर्जी को इससे रिलेट कैसे करते हैं। तो देखो, समझना आप, रेडिकल जितना अनस्टेबल होगा, रेडिकल जितना अनस्टेबल होगा बॉन्ड तोड़ना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। रेडिकल जितना अनस्टेबल होगा बॉन्ड तोड़ना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। मुश्किल का मतलब क्या है, एनर्जी हमें सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी। ये एक और तरीका है, जैसे ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो इसका एनर्जी लेवल लो होगा या हाई होगा, हाई होगा। तो यानी यहां तक पहुंचाने के लिए एनर्जी हमें सप्लाई क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा, लॉजिकल सी बात है। यानी यहां पे स्टेबिलिटी अगर इसकी बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सब जगह आपने देखा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, बॉन्ड एनर्जी, सब में इनवर्सली वाला फंडा रहता है। लेकिन ये रटने वाली चीज है, लॉजिकल मैंने आपको बता दी, जिसको जो लगे उससे कर लो, मेन बात है क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। तो लिख लेना छोटी सी बात कि ये बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल फॉर्म्ड, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल फॉर्म्ड। ओके, डन है, क्लियर है, चलो, है ना। तो एच ओ सी, एच ओ एच, बॉन्ड एनर्जी, ये सब अपन ने देख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन, अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट बात, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अब देखो, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो मैं कुछ आपको साथ साथ मटेरियल रिकमेंड करूंगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ का जीओसी का भी आज लिखते रहना, ठीक है। ये होमवर्क है बेसिकली आपका, क्योंकि अब बेसिकली मंडे से आपकी क्या हो जाएगी, फिजिकल और इनऑर्गेनिक ये चालू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ऑर्गेनिक, उससे नेक्स्ट वीक क्लासेज आएंगी ऑर्गेनिक की। तो एक गैप जो दिया हुआ है, मतलब बहुत कैलकुलेटेड है, यू कैन से, क्योंकि अभी बेस आपका बनाया है, जिसका बाय द वे वीक भी था, उसके पास भी समय है, ठीक है ना, एक प्रॉपर प्लान है। यानी वो अगर अच्छा करना चाहे ऑर्गेनिक को, जिसकी भी बाय द वे वीक है, ठीक है, तो वो स्टडी कर सकता है, पढ़ सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में एक अच्छा एसिड कौन होता है, एक अच्छा एसिड वो होता है जो H+ ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करे, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। दो बातें होती है, एक होता है H+ जल्दी रिलीज कर रहा है, नहीं, ये काइनेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, काइनेटिक मतलब रेट से रिलेटेड, नहीं, ऐसा नहीं है कि जल्दी हो गया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जल्दी एच रिलीज कर दिया, नहीं, मेन डिपेंड करता है कितना ज्यादा एक्सटेंट, यानी सारा खेल किसका होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है, सारा खेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है। अब एसिड में जो कांस्टेंट होता है उसको आपने सभी ने सुना होगा, क्या बोलते हैं, Ka, Ka का पूरा नाम बताओ क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये टर्म आ जाता है कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कई को समझ नहीं आता तो ऐसी गलती मत करना, पता होना चाहिए। उसके अलावा Ka, और उसके अलावा ये जो टर्म है PKa, ये पता है सभी को, हाँ भाई, PKa, इसका क्या लेते हैं, माइनस लॉग लेते हैं। अब ये बताओ, Ka की वैल्यू ज्यादा होती है तो PKa की वैल्यू क्या होती है, कम। अब ये क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट PKa, तो एकदम से दिमाग में आना चाहिए, PKa अगर कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, ये पता होना चाहिए अपने को। तो बस ये बात है, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKa, अगर PKa डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो इन मामले में कंफ्यूजन हो जाती है, बता रहे, पता है गलती कैसी कैसी होती है, इस तरह की गलतियां हो जाती है, बोल दिया मतलब भाई कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, समझ नहीं पाए और जल्दी में उसमें गलती कर दी, क्वेश्चन आता था, तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी यार, आप समझ रहे हो ना यार, ये सिली मिस्टेक कर करके अपन कम से कम 20% मार्क्स लूज कर लेते हैं, और कई लोग तो बहुत ज्यादा लूज कर देते हैं, मैं 10-20% तो बोल ही रहा हूं, मतलब इतना तो है ही, सोचो ना यार, सिर्फ 10-20% मार्क्स तो आप सिर्फ सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके ही कर सकते हो। लेकिन सिली मिस्टेक अवॉइड कैसे करनी है, सिर्फ बोलने से तो होता नहीं कि अपन ने आज बोल दिया मैं एग्जाम में नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता, आपको क्लास से हैबिट डालनी होगी,
क्लास में गलती नहीं करनी, घर पे गलती नहीं करनी, दिक्कत क्या है, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। क्लास में गलती करने की आदत कोई बात नहीं, घर की बात है, अभी तो एग्जाम थोड़ी है, वहां पे भी वही होगा घर पे कि घर की बात है, एग्जाम थोड़ी ना है। फिर एग्जाम आ गया, आदत तो वही है जो क्लास में बनी है, जो आप लगातार कर रहे हो, समझ रहे हो। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती, समझ में नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो सोच के गया था गलतियां नहीं करूंगा, फिर से वही गलतियां बार बार क्यों हो रही है। वो बार बार गलतियां इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप बार बार कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि बार बार गलतियां रोज करके, घर पे करके, एग्जाम में क्रांतिकारी बन के नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में आप तभी गलती नहीं करोगे जब आप रेगुलर में नहीं करोगे। ये बहुत बड़ा फर्क है जो मैंने आपको बताया ना, जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं, मैंने आपको शायद बताया भी था, वो हर सवाल को अपने एग्जाम के सवाल की तरह ट्रीट करते हैं कि मेरे एग्जाम में आ गया तो मैं क्या अप्रोच करूंगा, उसमें गलती नहीं करनी। मतलब ये मान लो हर क्वेश्चन को इज्जत देनी होती है। अपन ज्यादातर क्या होते हैं, मैं भी फील कर सकता हूं कि क्लास के क्वेश्चन को कैजुअल ले लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं, सिंसियर तो रहते हैं, पर ठीक है गलत हो गया तो हो गया, क्या बड़ी बात है। लेकिन वो सिंसियरिटी फिर एग्जाम में देखो पता होता है ना, जब एक एक क्वेश्चन कितना प्यारा है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए, उस समय उसकी कीमत मालूम होती है अपने को। अगर वो कीमत आपको शुरू से मालूम हो तो आप शुरू में हमेशा अटेम्प्ट क्या करोगे, एग्जाम लाइक कंडीशंस में करोगे, ठीक है ना। इसमें जो प्रैक्टिस टेस्ट है एटीपी वाला अपना, उसका यूज कर सकते हो, वो फ्री है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो उसमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत फायदा होता है। और मैं क्लियरली बताऊं, उसमें जो मटेरियल हमने डाला हुआ है ना, वो मटेरियल काफी अच्छा है। कोई रेयर केसेस में एरर आ जाते होंगे उसमें, लेकिन नॉर्मली नहीं आते, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं जीओसी में, आइसोमेरिज्म में, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और उसमें मेजॉरिटी में प्रीवियस ईयर तो दे ही रखे हैं, यानी टाइम बाउंड प्रैक्टिस का बहुत अच्छा तरीका है वो। आई थिंक आप में से कुछ लोग करते ही होंगे यूज, ठीक है, लेकिन उसको करना आप, ठीक है। जब आपके कंसेप्ट वगैरह अच्छा हो जाए तो उसमें पता है, एक तो टाइम बाउंड हो जाएगा, टाइम पता है इतने टाइम में करना ही है, तो हमेशा आपकी आदत रहेगी टेस्ट की तरह से ऐसे करना है, ठीक है, समझ गए, गॉट इट। चलो तो देखो, के पी के, नाउ द पॉइंट इज, ये तो डेटा होती है, के पता है, पी के पता है, बात खत्म हो जाए। पर असल में हम क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, तो उसका सिंपल एक ही तरीका होता है। जैसे कोई भी एसिड है, मान लो एसिड को मान लेते हैं एच ए, अब इसने क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ एक्वस सॉल्यूशन में, एच प्लस लूज कर दिया, एच प्लस लूज करके यहां पे क्या बन गया, ए माइनस। ये जो एच रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद जो ए माइनस बनता है, इसको ये बताओ क्या बोलते हैं, इसको कॉन्जुकेट बेस बोलते हैं, कॉन्जुकेट एसिड बोलते हैं, बोलो सभी, वेरी गुड, ये हो गया कॉन्जुकेट बेस, ठीक है। अब सारा खेल इस पे निर्भर हो गया, सारा खेल इस पे निर्भर हो गया, कॉन्जुकेट बेस अगर हमारा स्टेबल है, अगर हमारा कॉन्जुकेट बेस स्टेबल है तो भाई सीधी बात है, अगर ये स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड में, यानी ये बनना चाहेगा, अगर ये बनना चाहेगा तो ये टूटेगा, क्योंकि जितना ए माइनस बनेगा उतना ही क्या बनेगा, एच प्लस, क्योंकि एच और ए आपस में क्या थे, कनेक्टेड थे, यानी ए माइनस से हमने ये रिलेट कर दिया कि अगर ए माइनस ज्यादा है तो यानी एच प्लस भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, ए माइनस की मदद ले ली हमने, समझ रहे हो सभी। यानी सारा का सारा खेल क्या है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो सिंपल इतना से लिख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ओके, अब देखो इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं मैं, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि H निकालू तो कहां से निकालू, क्योंकि H बहुत सारे होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन उस H को निकालेंगे जो सबसे तड़पा हुआ H होगा, तड़पा हुआ छोटू। अब ये बताओ कौन सा छोटू सबसे ज्यादा तड़पा हुआ, परेशान होगा, जो O से कनेक्टेड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। छोटू को भगवान ने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना दिया है, एक, सोच के देखो बेचारा। और वो एक इलेक्ट्रॉन भी कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन, सोच के देखो इसकी हालत। तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तड़पा हुआ प्राणी है, यानी हम उस एच को यहां से निकालेंगे जो एच क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। उसको निकालना आसान भी है क्योंकि बहुत दुखी है, ठीक है ना। तो कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन देके टॉफी खिला के ले जा सकते हैं, ठीक है ना, गहराई में मत सोचना, समझ गए आप सब, ये बात है। तो यहां पे पॉइंट इज दैट, यहां से एच को निकाल दिया, एच को निकाल के ओ पे माइनस आ गया। अब माइनस आ गया इस तरीके से, यहां पे भी अपन ने यही किया और यहां पे भी अपन ने ये किया। नाउ द पॉइंट इज, इन तीनों में आप सभी को पता है कि जितना ये बड़ा फौलादी ग्रुप है उतना उसका प्लस आई जो होगा वो कम होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन से नेगेटिव चार्ज को फायदा या नुकसान, नुकसान। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। यानी आप सभी को ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, और क्लियर है कि भाई यहां पे
जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, डोनेटिंग होगा तो क्या होगा, नुकसान, और अगर विड्रॉइंग है तो क्या होगा, फायदा। ये बात है इस केस में। गॉट इट एवरीवन? इस तरीके से अपने को करना होता है। चलो अब करते हैं आगे और, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल मतलब लाइक बेसिक होते हैं, ये तो क्लैरिटी आनी ही चाहिए। जैसे यहाँ पे OH है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्या बात है, फौलादी छींक मार दी है, नॉर्मल छींक नहीं, फौलादी छींक, दुनिया पलट गई। यहाँ पे देखो आप सभी, ये देखो आप सभी, इसमें अलग अलग ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो अलग अलग ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो उसके लगाने से किस बात पे असर पड़, मतलब क्या असर पड़ेगा एसिडिक पे। सभी को ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बोलो क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करता है, घटाता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें देख के पहले क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप शो क्या करता है। जैसे यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CN है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, OCH3। अब देखो सभी को पता है NO2 तो भैया दरिंदा है, पैदा ही क्यों हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। तो यहाँ पे ये NO2 भयंकर इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, -m, और ये साइनाइड का डोमिनेटिंग क्या होता है, -m, CH3 का क्या होता है, +h, +h बोलो ठुल्लू, +h बोलो, मानते नहीं हो तुम बात है। यहाँ पे इसके बाद OCH3 क्या शो करता है, +m, लोन पेयर है ना इसके पास, तो इसका डोमिनेटिंग +m होता है, ठीक है। अब ये बेसिक है बिल्कुल कि ये क्या क्या होता है, अगर इसमें डाउट है तो देख लेना आप, कर लेना, समझ गए ना तुम। तो नाउ द पॉइंट इज NO2 CN CH3 क्या बात है चुन, इट्स ओके। तो यहां पे NO2 CN CH3 OCH3, ध्यान से देखना, इसमें सबसे बढ़िया, सबसे फायदा किससे होगा, NO2 से। NO2 का माइनस एम जो होता है वो साइनाइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पे A जो है, A मान लेते हैं इसको, A सबसे बढ़िया, फिर B, इनफैक्ट इसी ऑर्डर में है, यही आएगा इसमें। ये सबसे ज्यादा नुकसान करेगा क्योंकि यहां पे O के पास क्या अवेलेबल है, लोन पर अवेलेबल है। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब यहां से H को हम निकालेंगे ना, तो H को निकाल के O पे क्या आता है, माइनस आता है। माइनस आता है तो उसको वहीं पे रख के कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये माइनस आएगा ना, या कोई भी चार्ज आता है, याद रखो बेंजीन से जुड़ा हुआ चार्ज है ना, तो चार्ज जब रेजोनेंस करेंगे ना तो हमेशा किधर आएगा, ऑर्थो पे, और किस पे आएगा, पैरा पे आएगा हमेशा, ठीक है। तो अगर वो ग्रुप वहीं पे प्रेजेंट है तो उसी का फैक्टर, मतलब वही या तो बहुत फायदा करेगा या वही बहुत नुकसान कर सकता है। जैसे यहां पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो नेगेटिव चार्ज के बगल में ओके क्या होंगे, लोन पेयर, तो ये नुकसान करेगा। सही समझ रहे हो ना? कई बार अपन क्या होते हैं कि अपन इंडक्टिव में इतना घुस जाते हैं शुरू में ही कि अपने दिमाग में इंडक्टिव के अलावा कुछ रहता ही नहीं। वो गलती मत करो, ठीक है, कि जो पहला कंसेप्ट जीओसी में पढ़ा वही दिमाग में रह गया और बाकी सब नहीं आते। नहीं तो वो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि नेगेटिव है बगल में ऑक्सीजन तो खींचेगा ना यार, ये नुकसान कैसे करेगा। अरे ठुल्लू नंबर वन, यहां पे ये खींचता है, बिल्कुल सही बात है, पर वो सिग्मा बॉन्ड का प्रॉपर्टी है। यहां पे जो लोन पेयर है उनकी वजह से जो रिपल्शन हो रहा है, ये फैक्टर मेन है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हो रहा है, लोन पेयर यू नो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो दैट इज वाई इंडक्टिव ना देख के हम वो देखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट। अगली एक चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ बोलो, देखो CH3 का प्लस एम लगेगा नहीं, ये तरीका है, प्लस हाइपर का, CH3 का प्लस एच उसका अलग फंडा है। देखो बताता हूं, इन्होंने पूछा है कि CH3 का प्लस एच जो है हाइपर कॉन्जुकेशन इसमें कैसे लगा जब वहां तो नेगेटिव आया था, तो मैं बताता हूं रीजन, उसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग है और ये डाउट शायद आपको काफी पहले से रहा होगा, है ना, सारे पाप मेरे साथ ही दोगे तुम। यहां पे अगर देखें यहां पे CH3 है और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे इस नेगेटिव चार्ज को घुमाओगे उस तरीके से तो उससे काम नहीं बनेगा। नाउ यू हैव टू थिंक इन दिस वे कि भाई ये CH3 का प्लस एच आप लगा रहे हो, ठीक है, प्लस एच लगा रहे हो, तो आप जब यहां से एच को निकालोगे ना, तो यहां पे एच निकला, ये इधर, यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस अप्रोच से अपने को देखना पड़ता है, ठीक है, मतलब अगर आपको डेप्थ में समझना है, बाकी ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, डायरेक्टली तो वैसे ही करना है, सीधा का सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, पर शायद समझ में आया होगा। अच्छा, हाँ ये होता ही है, ये तो बहुत कॉमन डाउट है, इवन ये भी डाउट होता है, तभी तो मैंने बताया कि एग्जैक्टली इसने प्लस एम से नुकसान कैसे किया। अब एक और डाउट होता है, मैं वही तो ले रहा हूँ, डाउट्स वगैरह तो देख रहा हूँ कि इसके अंदर, अगर नॉर्मल क्वेश्चंस तो वो करेंगे अपन, क्वेश्चंस तो तरह तरह के। एक और डाउट आता है, जैसे कि ये है, यहां पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास COOH है, बेंजोइक एसिड है। अब यहां पे अपन ने वही, जैसे फॉर एग्जाम्पल वही NO2 OCH3 मान लेते हैं। अब आप सभी बताओ जल्दी से, OCH3 अगर हमने लगाया इसके अंदर, तो ऐसे केस में OCH3 क्या शो करेगा, प्लस एम। तो ये बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ को ये बढ़ाएगा या घटाएगा, घटाएगा, लॉजिकल सी बात है, ठीक है। लेकिन स्टिल, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी सब में सेम रहेगी, फिनॉल हो बेंजोइक एसिड हो सेम रहेगा, बट नाउ द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है कि भाई ये नुकसान कर कैसे, मतलब नुकसान कैसे कर रहा है।
क्योंकि कईयों के दिमाग में पता क्या आता है, ये एच निकाल दिया, एच निकाल के ओ पे क्या आया माइनस। अब ये करने के बाद व्हाट दे डू इज ये पाई पाई में कॉन्जुगेशन कर लेते हैं, पाई पाई में कॉन्जुगेशन कर लेते हैं तो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये बताओ यहां पे चार्ज जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, प्लस, ठीक है, क्योंकि ये इधर गया तो प्लस ही तो आएगा यहां पे। फिर ये यहां जाएगा, इससे यहां पे क्या आएगा, प्लस, और अगर यहां प्लस आया और प्लस के बगल में लोन पेयर, फुल एंजॉय, पूरा रेजोनेंस बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन द पॉइंट इज इससे तो फायदा होना चाहिए। ये कॉमन गलती है जो स्टूडेंट करते हैं, ये यहां से रेजोनेंस करना इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि पाई पाई है यहां पे और यहां पे लोन पेयर पाई है, आपने पाई पाई से रेजोनेंस कैसे कर दिया, लोन पेयर वाला, लोन पेयर पाई वाला सिस्टम क्या करता है, डोमिनेट करता है, तो रेजोनेंस यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, ये बॉन्ड बनाएगा, ये टूटेगा और रिंग पे चार्ज प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस। जब यहां माइनस आएगा तो माइनस और माइनस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, नुकसान होगा, ये होता है इसका रीजन, है ना। तो ये मेजोरिटी को क्लैरिटी नहीं होती इसमें, बट आई होप आप आ गई होगी कि एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क्स, लेकिन आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्टली मतलब इसमें काम कर सकते हो, बात खत्म है। अच्छा अब एक बात बताओ जल्दी से, ये NO2 अगर यहां की बजाय पैरा की बजाय मेटा पे हो तो उतना फायदा नहीं होगा, उतना फायदा नहीं होगा। अब देखो सुनो, ध्यान रखना, इसमें कुछ बातें और होती हैं, ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। कुछ बातें और, जैसे मतलब डाउट ही आता है कि एच बॉन्डिंग का इफेक्ट कब आता है, खासकर इसमें डाउट सबसे ज्यादा उसमें आता है कि एच बॉन्डिंग से फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, समझ में नहीं आता बहुत बार, तो वो अपन देखते हैं थोड़ी देर में, देख लेते हैं। इतने अपन कुछ सीपीपी के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ नेगेटिव, नेगेटिव में रिपल्शन कैसे होता, मैं ये कैसे बताऊं, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, अब उनमें नेगेटिव नेगेटिव में वो फीलिंग क्यों आई, उतनी फीलिंग डेप्थ में मेरे में है नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा वो जज्बात, है ना, आप में इस समय हो सकते हैं। ओके सो गाइस, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सीपीपी नंबर 3। 2 तो अपन ने कर लिया था ना, एसिड बेस वाले क्वेश्चन ना, पहले 2 कर लेते हैं, पहले 2 कर लेते हैं, एसिड वाले कर लेते हैं ना, एसिड वाले कर लेते हैं, सीपीपी नंबर 2 में वो रह गए थे ना एसिड, एसिड वाले। देखो इसमें एसिड वाला क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से 2 में 7th कर लो सबसे पहले, इसमें जो भी एसिडिक वाला है, फिर 11th भी है। हाँ 4th बेसिक वाला है, डिस्कशन मत करो भाई इधर प्लीज, नो डिस्कशन। अच्छा रह गई, कोई बात नहीं, साथ में शेयर कर लो। कोई लिख तो नहीं रहा ना इसको, हो गया ना, देखो टाइम इतना ही मिलेगा। ये जो 7th क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ना एच निकालने के बाद इसमें साफ दिख रहा है कि एच कौन सा है। हाँ भाई इसमें कौन सा एच निकाल रहा है, दिख रहा है ना आपको, किससे कनेक्टेड है वो, नाइट्रोजन, ठीक है उसको निकाल दो, निकालने के बाद फिर स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। अब लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, फिर कैसे करोगे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ 7th का, पहले तो मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर बोलो आप क्या है 7th का, द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो यहाँ पे अब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है पता है, सेकंड वाला, सेकंड वाला सबसे एसिडिक कौन है 7th में ये इस बेसिस पे, ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे ये लोन पेयर आ गया। ध्यान से देखो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड जो है ना, मतलब लोन पेयर जो है ये एरोमेटिक लूप का हिस्सा है,
तो इसलिए स्टेबल हो गया है ना। तो यहां स्टेबिलिटी देखने का तरीका अलग होगा। वो तरीका होगा कि ये लोन पर कितना इनएक्टिव है, यानी अनस्टेबल है, कितना स्टेबल है। तो ये सबसे स्टेबल हो रहा है, इससे स्टेबल कोई भी नहीं है। इसके बाद ये बताओ जो पहला तीसरा और चौथा है, चौथे वाले में नाइट्रोजन फर्क इस बात का हाइब्रिडाइजेशन का। यहां पे फर्स्ट थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अगर वो sp2 है तो उस पे लोन पेयर ज्यादा स्टेबल होगा। और फोर्थ वाले पे क्या होगा, sp3 है तो वो लेस स्टेबल होगा, यानी वहां से एच निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, कईयों को डाउट आता है सर सेकंड वाले में sp3 नहीं था क्या? नहीं था, क्योंकि जब लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट होता है तो ऐसे केस में वो लोन पेयर इसमें हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा दैट विल बी sp2 ओनली, है ना। तो इसलिए आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, इस तरह के आते हैं, मेन में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। अगला आपको इसमें जो एसिडिक वाला करना है वो है 11th। ओके एवरीवन, 11th क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इज डी, दिल्ली। देखो इसमें अगर हम बात करें तो देखो फंडा क्या होता है, मल्टीपल फैक्टर है, लीस्ट एसिडिक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमेशा हमेशा, हर सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन को ध्यान से पूरा फोकस के साथ, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी जैसे फोकस पे मैंने काफी फोकस किया बताने को, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने आप ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे आपका हर चीज, क्योंकि सबको पता है अपनी लाइफ, तो आपको अपने आप सोचना है कि कैसे मेरा ध्यान बढ़े। क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड। अगर आपने जल्दीबाजी में, जैसे एग्जाम की बात है, डर भी लगता है उस समय पे, लीस्ट ध्यान ही नहीं दिया, ये छोटी छोटी डिटेल्स कि मैंने तो मोस्ट एसिडिक समझ लिया था, इट हैपन्स यार, और ये हुआ भी होगा कईयों के साथ, लेकिन अभी भी किसी किसी ने कर दिया होगा, इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये गलतियां मत करना, इधर बातें नहीं प्लीज। तो यहां पे क्या होता है, जैसे मैं ए की बात करता हूं, ए जो एसिड होता है, सुना आपने सीओएच, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम होता है,
ऑक्सैलिक एसिड, वेरी गुड, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। यहां से एच निकाल दिया, अब ध्यान देना, एच निकालने के बाद दो फायदे हो रहे हैं। एक तो यहां पे देखो ओपे माइनस है, ओपे माइनस है, एच पे चार्ज क्या हो रहा है, डेल्टा प्लस। अब यहां पे माइनस और यहां पे प्लस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है इनके बीच में, एच बॉन्डिंग। ये जो है ये यहां पे क्या हो रहा है, ये है आयन, और ये जो है ये क्या होता है, ये डाइपोल होता है। ये क्या होता है, डाइपोल। तो नॉर्मल एच बॉन्डिंग, देखो एच बॉन्डिंग का जो वेरिएशन है बहुत बहुत ज्यादा होता है, कुछ बहुत वीक एच बॉन्ड भी होते हैं और कुछ बहुत पावरफुल भी होते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनसे एनर्जेटिकली बहुत फायदा हो जाता है, 50 किलो जूल, 60 किलो जूल, 70 किलो जूल, इस लेवल की इनमें एनर्जी होती है। तो ये जब बनता है तो बहुत एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाता है। यानी आपने क्या समझ लिया कि एच बॉन्डिंग अगर कॉन्जुगेट बेस में हो तब तो है फायदा, अगर ये कॉन्जुगेट बेस में एच बॉन्डिंग हो रही है तो बेनिफिट होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, कुछ भी नई बात नहीं है इसमें, है ना। तो लिख लो एच बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस favors the release of H plus। H plus निकालना फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि H निकलने के बाद उसकी जिंदगी में H bonding आ जाएगा, ठीक। अच्छा एक और रीजन भी है, नॉट जस्ट H bonding याद रखना, तभी इतना पावरफुल फैक्टर होता है जब यहां पे आयन डाइपोल होता है। नॉर्मल में H bonding इतना ज्यादा पावरफुल फैक्टर भी नहीं होता कि बहुत ज्यादा ही मतलब हद मच गई, वैसा नहीं है। यहां पे एक और बात मैं आपको बताता हूं, ये जो COH ग्रुप है आप सभी को पता होगा ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ये जितना दूर होता जाएगा ना इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बाकी सब में यही हो रहा है, ये दूर जाता जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लोवेस्ट किसकी होगी, डी की होगी, है ना। इवन COH का इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा वहां, तो उल्टा प्लस ही और लग जाएगा, ये है। ओके इसमें एसिडिक का तो शायद और कोई है ही नहीं, है ना। अच्छा कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता लेता हूं, इसमें 12th का आंसर बता लेता हूं एक बार के लिए, आप बाद में ट्राई कर लेना। 12th का आंसर है बॉम्बे, 12th का बी है, 13 का सी है, 12th का बी, 13 का सी, 14 का है डी, बताता हूं। यहां पे 12th का हो गया बॉम्बे, 13 का हो गया सी, और 14 का हो गया डी, ऑल ऑफ दीस। अगर 13 की बात करूं मैं तो 13 में एन के पास लोन पेयर है और बोरोन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, समझ रहे हो ना। तो लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल में रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस विल बी कंप्लीट, रेजोनेंस अगर कंप्लीट हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे केस में बस ये बात है, तो 6π इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत फेमस है ना, इसका नाम क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, और एक और नाम होता है क्या बोलते हैं, बोराजोल, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, बोराजोल, ठीक है, तो बहुत फेमस है। अच्छा तो इसमें तो एसिडिक कितने थे, दूसरे में भी करते हैं, 14 में देखो क्या बोला हुआ है, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। तो देखो यार ए वाले केस में किसमें डाउट है आपको, डाउट किसमें, इसका ए आएगा आपके हिसाब से, ठीक है, ऐसा मत बोलो कि ए ही आएगा, समझ रहे हो ना, मैं ऑफेंसिव ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि क्या आएगा। नहीं नहीं आपको बोलना चाहिए था कि सर ए आ सकता है क्या, ए ही आ सकता है क्या, ठीक है ना, हाँ ओके, ऑल इन वालों तुम्हें नहीं बोला मैंने। ओके 14 का ए तो आएगा ही, ये तो तुम्हें पता है मतलब इसका मतलब। अब बचा बी एंड सी, सी में अगर देखो तो सी में ये है, ऐसा नहीं होता कि रेजोनेंस है तो बॉन्ड लेंथ सेम है भाई, यहां पे जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये जो स्ट्रक्चर बना प्लस और माइनस वाला, इसका कंट्रीब्यूशन कम है ना एज कंपेयर टू दिस, तो बस अगर इसका कंट्रीब्यूशन कम है तो यहां पे सब जगह डेंसिटी सेम नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता कि अपन ने डॉटेड बना दिया तो सब जगह सेम आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बी बहुत अच्छा है, बी में तो लगता है कि गोले लगा देते हैं, लेकिन बी में जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो देयर विल बी 3 स्ट्रक्चर, जो दिया हुआ है इसको हटा के 2 और आएंगे, लेकिन सारे स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम नहीं होंगे, एक अलग होगा, तो उस कारण डेंसिटी जो है सब जगह एग्जैक्टली सेम नहीं आएगी, इसीलिए डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है, है ना। ओके चलो नेक्स्ट सीपीपी नंबर 3। हाँ 3 में आई थिंक कई सारे क्वेश्चन है ना, इसको देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा, ठीक है, जल्दी जल्दी करना और आपस में गाइस डिस्कशन प्लीज ना करें।
देखिए गाइज, पहले वाला क्वेश्चन है, पहले बोला हुआ है कि भाई किस किस में जो मतलब उस गिवन मॉलिक्यूल में मल्टीपल एच है, मल्टीपल तड़पे हुए छोटूज हैं, और उनमें कौन मतलब क्या उसी को सर्कल किया हुआ है जो सबसे ज्यादा तड़पा हुआ है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक जो है। तो इसमें द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट का आएगा डी, डेली आएगा, फर्स्ट का डी आएगा। ठीक है, इसमें सब में ही सबसे एसिडिक को लिया हुआ है, जैसे ए में देखो तो वहां पे साइनाइड है पास में, साइनाइड जो होता है बोलो डोनेटिंग है विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, तो उस कारण वो सबसे एसिडिक हो गया। बॉम्बे में देखो COOH हो गया यार, एसिड हो गया, एसिड वाले का तो एच मैक्सिमम ही होगा, ठीक है ना, SH वाले से भी ज्यादा होता है, जो SH होता है ना उससे ज्यादा होता है उसमें। सी में भी क्या होगा, एच वहां से निकालोगे नेगेटिव आएगा, पूरा सिस्टम जो होगा ना पूरा एरोमेटिक हो जाएगा, पहले भी वो रिंग एरोमेटिक थी, अब पूरा बड़ा लूप जो है ना, पूरा सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, इसके बाद सेकंड करो, सेकंड जल्दी से हो जाना चाहिए। हाँ भाई बोलो, सेकंड बहुत आसान है, सेकंड में करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कितने सीएल आ रहे हैं, दो। अब दो सीएल इतना पास है तो समझ रहे हो ना, उनका एहसास तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, उनका माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये बताओ सेकंड सभी का सही आया ना, ओके सही आना चाहिए वाले, इसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए। देखो थर्ड वाले में करेक्ट आंसर, टाइम कम ही मिलेगा है ना, जल्दी जल्दी किया करो, थर्ड में करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर थर्ड में। थर्ड में अगर हम देखें तो अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सीएच बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, तो कैसे करोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ सीएच वाला रेडिकल बना लोगे, बॉन्ड को तोड़ोगे और क्या बनाओगे, रेडिकल। रेडिकल बनने के बाद स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, जितना अनस्टेबल होगा, जितना अनस्टेबल होगा उतना बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो सी वाले केस में बेंजीन पे डॉट आ गया, याद रखना अगर बेंजीन पे, ये चीज बता भी देता हूं, बेंजीन पे कभी भी डॉट आ जाए रेडिकल या प्लस या माइनस, ये कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि रेजोनेंस कौन कर रहा है, पाई पाई पाई, तो वो बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है, मतलब द पॉइंट इज वो कॉन्जुकेशन में नहीं है, वो सेम प्लेन में नहीं लाई करता है। तो अगर बेंजीन पे प्लस माइनस या रेडिकल आए तो वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, अनस्टेबल और हो गया, क्योंकि जितने पाई बॉन्ड बढ़ गए उतना एस करेक्टर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, माइनस तो फिर भी चल जाएगा क्योंकि माइनस में मतलब डेफिशिएंसी नहीं है, माइनस इज स्टिल ओके, गॉट इट। एक चीज मैं और इसके साथ बताना चाहूंगा आप सभी को कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर माइनस है और यहां माइनस के रिस्पेक्ट में यहां पर यहां पर यहां पर मान लो एक बार सीएल को मैंने यहां एक बार यहां एक बार यहां लगाया, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या करेंगे अपन, माइनस चार्ज यहां पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो हम सिंपली क्लोरीन का हेलोजन का क्या देखेंगे, इंडक्टिव, क्योंकि रेजोनेंस में घूम तो रहा नहीं, तो इसमें सबसे स्टेबल कौन से वाला होगा, पहले वाला, फिर ये और फिर ये, यानी जब यहां पे माइनस होगा या प्लस होगा आप सिंपली क्या देखोगे, ओनली इंडक्टिव, क्योंकि रेजोनेंस तो कर नहीं रहा ना नेगेटिव चार्ज, ये तरीका होता है। ठीक है, हाँ जी, तो थर्ड में सी एच सी आई थिंक ऑप्शन ही एक है इसका, तो एक ही ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन में ही ऐसा हो रहा है, सबसे लीस्ट टेबल आपने देख लिया ना, बात वहीं पे खत्म हो गई, यानी ये जो ए और बी है इसके कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट, इनॉल अभी नहीं करना, ये गलती से आ गया इसमें क्वेश्चन, इनॉल अभी नहीं करना है, सिक्स्थ करो आप, सिक्स्थ वन, हाँ भाई सिक्स्थ में, अच्छा ऐसा ही ऑलमोस्ट किया ना अपन आज, है ना, ओके सिक्स्थ में द करेक्ट आंसर इज डी, डेली इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई सभी का सही आ रहा है क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोशिश अभी से होनी चाहिए है ना कि क्लास में ही सही करो, क्लास में सही होगा, घर में सही होगा, वहां पे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सेवंथ 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 सेवंथ, जल्दी बोलो सेवंथ का करेक्ट आंसर, सेवंथ में आएगा बॉम्बे, बॉम्बे आएगा, देखो COO माइनस, ध्यान रखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के चक्कर में मत रहना, नेगेटिव चार्ज अगर इसमें आया तो समझ रहे हो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, वो खींचेगा नहीं, वो डोनेट करेगा, तो CO- इज डोनेटिंग, CO- इज डोनेटिंग,
ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो करना है आपको वो करना है नाइन्थ। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली डी। देखो यहाँ पे सब में ना पाई बॉन्ड देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं पाई बॉन्ड्स, ठीक है वो सब तो देख लिया वो सब से, लेकिन कई सारे आंसर आ रहे हैं। द पॉइंट इज तो हमने देखेंगे चार्ज, अब चार्ज भी सभी पे है, लेकिन अगर आप देखोगे ना क्वांटिटी ऑफ चार्ज डी में कम है। डी में अगर आप देखोगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज यानी जितना प्लस है, कितना प्लस है एक प्लस है, और माइनस भी कितना है एक ही है, लेकिन बॉम्बे में ए में और सी में देखो, ए बी और सी में कितने सारे माइनस कितने सारे प्लस, उसकी वजह से क्या होगा बहुत सारे इंटरेक्शन हो जाएंगे, एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, रिपल्सिव इंटरेक्शन भी तरह तरह के बढ़ जाएंगे, तो इसलिए डी इज द आंसर। ठीक है, टेंथ का आंसर मैं बता देता हूं, टेंथ का आंसर है डी, दिल्ली है ये, आप आराम से करना, ये डीपीपी के फॉर्म में, मतलब इसमें जो क्वेश्चन क्लास में नहीं हो पाए एक तरह से वो आपका डीपीपी में कन्वर्ट हो गया अपने आप। ठीक है, तो उसका डिस्कशन अपन बाद में कर लेंगे, है ना, तो अभी इसको नहीं कर रहे। इलेवंथ तो जब ही हो जाएगा, इलेवंथ का करेक्ट आंसर कौन सा है ए। अब देखो इसमें बस ध्यान देने वाली चीज पता क्या थी, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग कहां से करनी है, नंबरिंग इसमें किधर से होगी, राइट से, बस ये इसमें सोचने वाला था, बाकी तो अगर मतलब पता ही है नंबरिंग फिर तो दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत आसान हो जाएगा। इलेवंथ का ए है, टेंथ का डी है, इलेवंथ का ए टेंथ का डी। ट्वेल्व का करेक्ट आंसर बोलो जल्दी से बोलो ए, है ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो गाइस बाकी सारे क्वेश्चन है ना जो डीपीपी भी आपको मिलेगी, मिल चुकी है, ठीक है, सबका डिस्कशन अपन जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना, जब भी मतलब वो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक तो नहीं होगी, उससे अगले वीक होगी, तो आपको सारा कर लेना है, क्योंकि सारा आप क्लास में तो नहीं हो पाएगा ये अभी वाला तो, ठीक है, लेकिन हाँ इसके आंसर जो है ना एक काम करते हैं वो अपलोड ही करा देंगे हम लोग, ठीक है अपलोड ही करा देंगे, दिक्कत खत्म हो जाएगी, है ना, सीपीजेड डीपीपी में होता है, सीपीपी में वही हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। चलो तो यानी क्योंकि अभी मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है एक्चुअली, इसलिए मैंने रोका आपको। ओके अच्छा ये बताओ होमवर्क तो समझ गए ना, हाँ भाई होमवर्क में क्या क्या है, कवर क्या क्या करना है, पूरा जीओसी आईबीएससी एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है आइसोमेरिज्म भी कर लेना, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि बेस कवर हो गया ना, बेस अच्छा हो गया, और आइसोमेरिज्म का ऐसा नहीं सेशन है अपने, सेशन होगा उसके बाद आइसोमेरिज्म पे एक दो सेशन होंगे, तीन भी हो सकते हैं, दो तो होंगे ही होंगे, लेकिन द पॉइंट इज उसके बाद फिर सीधा अपन रिएक्शन पे आएंगे, और रिएक्शन वाला पार्ट आप जानते ही बेहद इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, जो प्लान मैं बता रहा हूं उसको आप बढ़िया से फॉलो करो अच्छे से, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, कुछ का तो बढ़ना शुरू भी हो गया होगा, ठीक है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या सभी का, वेरी गुड बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन आप सोचो अभी से इतना है, आप लगातार फॉलो करोगे डिसिप्लिन आएगा, आपको खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस आता जाएगा, बस इतनी सी बात है, पूरा प्लान किया हुआ है कि यहां तक आप ये कर लो, फिर उसके बाद अपन आइसोमेरिज्म रिएक्शन वाला पार्ट करेंगे, फिर बीच में फिर से ब्रेक लेंगे सॉर्ट ऑफ मतलब एक वीक का समथिंग, तो उसमें क्या होगा जो होमवर्क मिलेगा वो करना होगा,
और उसके अलावा आपको बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स खुद से कर लेना होगा एक बार के लिए, ठीक है ना, मतलब उसको अपन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाद में लास्ट में जब वो उसका टाइम आता है, समझ रहे हो, तब इतना याद नहीं रह पाता, अभी के अभी उसको कर लोगे, पहले कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, तो अभी नहीं, पर मैं जो बता रहा हूँ वही प्लान फॉलो करो, रैंडम करोगे कि अभी से करने लगे तो जो बता रहा हूँ ऑर्गेनिक में तो यही करो, फिर बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक में आपको अंकित चौक से सर जो है वो बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हैंडल करना है, गाइड वैसे मैंने उनको भी बता रखा है कि हमारा ओवरऑल अप्रोच कैसा रखना है अपने को, ठीक है, तो बाकी फिजिक्स और मैथ्स में तो आपको चल ही रहा है, बता ही रहे होंगे आपको एग्जैक्टली कि क्या क्या करना है, ठीक है ना, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का क्या फंडा होता है, देखो एक अच्छा बेस वो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक बार बात कर लेते हैं NH3 के, अच्छा बेस वो है, यहां पे ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट अप्लाई होता है, N ने जैसे अपना इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, H प्लस को, N ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को दिया, तो यहां पे कन्वर्ट हो गया NH4 प्लस में, एक बात बताओ सभी के सभी, ये जो NH4 प्लस है ये कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं इसको या कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, बोलो सभी, वेरी गुड, तो ये जो है ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, एक तरीका तो वही है जैसे वहां पे जो कॉन्जुगेट बेस ने किया था वही यहां पे कौन करेगा, कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, मतलब इसका यूज कभी कभी आएगा कि कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देख ली, लेकिन बहुत बार इससे नहीं हो पाता, बेस में नहीं हो पाता, बेस में एक ही अप्रोच बेटर है, मतलब एक ही अप्रोच यूज करो अच्छा रहेगा, वो कौन सी अप्रोच है, अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर, लोन पेयर जितना आसानी से दिया जाएगा, इजीली दिया जाएगा उतना ज्यादा अच्छा बेस है वो, वैसे तो बेस का मतलब है एक अच्छा बेस वो माना जाएगा जो ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में H+ को क्या करे, एक्सेप्ट करे, जैसे एसिड अच्छा वो है जो H+ ज्यादा डोनेट करे, बेस अच्छा वो है जो H+ एक्सेप्ट करे, ज्यादा एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो लिख लो इस बात को जल्दी से, अ स्ट्रांग बेस इज एबल टू एक्सेप्ट मोर क्वांटिटी ऑफ more quantity of H plus. ठीक है, इतनी सी बात है, लेकिन बात यह है कि इसको करने के लिए अपन क्या प्रोसेस लगाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं, हम देखेंगे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, क्योंकि ज्यादातर जो है ना नाइट्रोजन वाले बेस मिलेंगे आपको, क्वेश्चन नाइट्रोजन वाले बेस से आने वाला है, ठीक है, मतलब नॉर्मली जो आता है नाइट्रोजन वाले बेस से ही आता है, तो पॉइंट इज सबसे पहले अपन उसी वही जो लेजेंडरी क्वेश्चन है उसी से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, होमवर्क में एक चीज आपको और बता देता हूँ, हाँ पहले ही बताया था शायद मैंने आपको, एनसीईआरटी में अमाइंस वाला भी पूरा रीडिंग ले लेना, ज्यादा नहीं एक दो पेज ही तो है, दो तीन पेज है, उसके अलावा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एल्डिहाइड कीटोन उसमें भी एसिडिक के बारे में दिया हुआ है और ऑर्डर भी दिया हुआ है, वो अच्छे से कर लेना, डन है ना, ठीक है, अच्छा तो ये मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अपन बात करते हैं गैसियस फेज में, इसमें फेज देना जरूरी है, इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता पर यहां पे देना जरूरी है क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाता है, अगर गैसियस फेज की बात करें तो वही होगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, यहां पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये डोनेटिंग है, ये डोनेटिंग है, सारे डोनेटिंग है, अगर सारे डोनेटिंग है ना तो यहां पे डेल्टा माइनस बढ़ जाएगा, तो भाई लोन पेयर देना इसके लिए और आसान हो जाएगा, आजू बाजू वाले सारे सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा जी ले अपनी जिंदगी, वही तो हो रहा है, तो भाई ठीक है जी लेता हूं, इट्स लाइक दैट, अवेलेबिलिटी लोन पेयर की इंक्रीज हो रही है, यहां पे देखे तो अवेलेबिलिटी यहां पे भी इंक्रीज हो रही है, दो मिथाइल है यहां पे भी हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां हो रही है, तो गैसियस फेज में जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही होगा, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एच प्लस, एच प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही अधिक होगी, इतनी सी बात है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे आप, क्या करोगे, हाँ भाई चुनो इधर तुम लास्ट वाला, हाँ खड़े हो जाओ, फोकस नहीं लग रहा तुम्हारा, हाँ है पक्का, लग नहीं रहा मेरे को यार, गड़बड़ लग रही है, वो सब तो ठीक है बात ये है कि फोकस नहीं लग रहा तुम्हारा, मतलब ये कैसे कैसे किया अपन ने, ये मतलब अवेलेबिलिटी देखते हैं अपन लोन पेयर की या कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी देखते हैं, अभी मैंने क्या बताया वो बताओ तुम, क्या देखते हैं क्या नहीं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखनी चाहिए हमें या लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, वो क्यों नहीं देखना चाहिए, गुड फिर ठीक है, बैठ जाओ वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना यार, वेरीफाई करना जरूरी है तभी फोकस करोगे, पता है हुआ क्या, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मेरा जजमेंट गलत कैसे निकला
तो वो ऊपर तुम्हारे ऊपर लाइट है और लाइट से ना तुम्हारे चश्मे के यहाँ पे लाइट लग रही है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि तुम सो रहे हो। एक्चुअली ये हुआ है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, डन हो गया। अच्छा अब इसके बाद बात ये एक्वस फेज में क्या हो रहा है, एक्वस फेज में व्हाट इज हैपनिंग। तो देखो यार, वो एक्सप्लेन होगा इसके एच प्लस एक्सेप्ट करने के बाद। जब ये एच प्लस एक्सेप्ट करता है, ध्यान से देखना, एक ही मैं बता देता हूँ, तब ये बन जाएगा सी एच थ्री एन एच थ्री प्लस। ये बन गया सी एच थ्री एन एच थ्री प्लस, ध्यान से देखो सभी के सभी। अब जब यहाँ पे सी एच थ्री एन एच थ्री प्लस बन गया, तो अब एक्वस फेज की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो छोटूज है ना, ये एच बॉन्डिंग बनाने के लिए बिल्कुल काबिल है। एच बॉन्डिंग कौन बना सकता है, याद है ना आपको, एच वो एच जो किससे जुड़े हो, एफ ओ एन से, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, वो एच बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा ना, ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये ओपे नेगेटिव है, यहाँ पे एच पे डेल्टा प्लस है, माइनस प्लस के बारे में क्या होता है आप जानती हो, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन को, इस बेनाम रिश्ते को क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एच बॉन्ड बन गया, तो एच बॉन्डिंग एक ही नहीं होगा कि एक ही है, ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, एच बॉन्डिंग होगी। इससे काफ़ी स्टेबलाइज हो जाएगा, जितने ऐसे छोटूज हैं जो एच बॉन्डिंग बनाएंगे उतना एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग क्या हो गया, बढ़ गया। एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे H कितने आएंगे, ऐसे H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद कितने आएंगे, दो। यहाँ कितना आएगा, एक H प्लस आने के बाद। यहाँ दो से तीन हो गया, यहाँ एक से दो हो गया। यानी एच बॉन्डिंग के फैक्टर से अगर देखें एक्वस सॉल्यूशन के हिसाब से, तो सबसे बड़ा फायदा ये भी तो हो रहा है। अब बात ये है कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली यही एकमात्र फैक्टर नहीं होता, ये जो पहले वाला है ये भी फैक्टर है। यानी पहले वाला और ये दूसरे वाला दोनों फैक्टर कंबाइन करके क्या होता है, रियल ऑर्डर आता है। अब वो आप अपने आप नहीं बता सकते, खुद से नहीं कर सकते कि क्या बेटर है। यहां पे इन द केस ऑफ मिथाइल जो ऑर्डर आता है एक्वस फेज में, वो आता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। सबसे बढ़िया ये वाला है, फिर 1 है और फिर 3 है। इससे प्रूव ये होता है, ये अपने को पता है डेटा से। अब इससे प्रूव ये होता है कि 2 डिग्री सबसे बढ़िया है। 2 डिग्री जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, 2 डिग्री के अंदर एच बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही है, 2H आ गए, ठीक है, और प्लस आई भी सही है, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। 2 डिग्री बेस्ट है, इसे याद भी रहेगा आपको। 2 डिग्री में दोनों, यू नो क्या बोलते हैं उसका एक टर्म होता है ना, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों चीजें हो रही है, एच बॉन्डिंग भी बढ़िया और प्लस आई भी अच्छा, तो 2 बेस्ट है। फिर 1 और फिर 3, ठीक है, 3 बाद में। अब देखो, अब आपको लॉजिक समझ में आएगा। अब यहां पे मिथाइल की बजाय अगर मैं लेता हूं इथाइल, तो ऐसे केस में ऑर्डर आता है गाइस 2 डिग्री, फिर क्या आता है 3 डिग्री, और फिर कौन सा आता है 1 डिग्री, दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए। ये जो आता है, अब इससे आपको समझ में आया 3 आगे आ गया, 2 तो समझ में आ रहा है पहले, जो 2 ने बैलेंसिंग काम किया पहले वही बैलेंसिंग काम यहां पे किया। लेकिन 3 डिग्री और 1 डिग्री में अगर मैं देखूं, तो 3 डिग्री क्यों जीत गया, क्योंकि अब इथाइल का प्लस आई क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी वो प्लस आई वाला फैक्टर एच बॉन्डिंग वाले फैक्टर पे क्या कर गया, डोमिनेट कर गया, इसीलिए वो यहां खिसक गया। ये डेटा आके लेकिन अपन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बिना उसके तो अपन नहीं कर सकते थे। लेकिन शायद इससे आपको याद रखना क्या हो जाएगा, आसान, कि पहले 213 है और मतलब किसमें 213 है किसमें 231 है, ये याद रहेगा अब आपको, है ना। क्योंकि इथाइल वाले में क्या हो गया, मतलब 2 तो सबसे अच्छा हो ही गया, तो 1-3 किसमें आएगा या 3-1 किसमें आएगा, ये आपको याद रहेगा ना। वेरी गुड, ये बात है, ये अपन ने सबसे लेजेंडरी क्वेश्चन सबसे पहले कर लिया, ठीक है, इधर फोकस, ठीक है, ओके। तो देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं, एक सिंपल बात, जो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिवर्स है, जैसे NH2 यहां पे ले लिया, एनिलीन ले लिया, और यहां पे अपन ने कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे कि CH3 हो गया, OCH3 हो गया, NO2 हो गया, साइनाइड CL समथिंग लाइक दैट, इस तरह कुछ। अब यहां पे रिवर्स होने वाला है, ये बताओ जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, ये वाले ग्रुप, ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, है ना। यानी अपन सारे क्वेश्चन लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन, है ना। तो लिख लो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, ये लिख लो बस आप, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। अभी एज्यूम कर रहे हैं कि अपन नाइट्रोजन वाले ही बेस ले रहे हैं, ये बात है, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले फायदा कर रहे हैं, विड्रॉइंग वाले नुकसान करेंगे, क्योंकि विड्रॉइंग वाले क्या करेंगे, नुकसान कैसे करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे NO2 यहां लग गया, अब ये लोन पेयर क्या कर रहा होता है, रेजोनेंस, जब रेजोनेंस करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आएगा। अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग गया, तो वो उसको और अपनी तरफ यू नो विड्रॉ कर लेगा, उससे क्या होगा, यहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी। लेकिन कोई डोनेशन वाला होगा, जैसे OCH3 है, ये पता क्या करेगा, ये उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज, तो उससे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। यानी वो, समझ रहे हो सभी, यहां पे लोन पेयर के होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा।
लोन पर यहां पे कब रहना चाहेगा? जब उसको यहां पे खुशियां नसीब ना हो। लेकिन अगर यहीं पे उसको अच्छा लग रहा है, NO2 जैसा, जो पैदा ही क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। तो अगर ऐसी कोई चीज आपको यहां पे मिल गई तो वो तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आके खुश हो जाएगा कि बगल में NO2 है, मैं डीलोकलाइज हो जाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊंगा, समझ लो ना, उसके लिए तो वही लाइफ है। तो ये बात है। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी आई होगी कि एनिलीन्स के जो डेरिवेटिव है उसके अंदर हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं। यहां पे सबसे इसको ABCD मान लेते हैं, देखते हैं कितना जल्दी कौन बताता है। बताओ ABCD में सबसे बढ़िया कौन? बी सबसे बढ़िया, ए नहीं, बी। OCH3 क्या शो करता है? प्लस एम, तो बी सबसे अच्छा। बी के बाद कौन आएगा? ए। अच्छा, इन तीनों में सब ई आएगा, इंजॉय, इंजॉय आएगा। यहां पे सीएल जो है ना, ये सीएल क्या कर रहा है? माइनस आई कर रहा है, तो ये उतना नहीं खींच रहा। लेकिन ये दोनों जो जमूरे हैं ये माइनस एम शो कर रहे हैं, इनका खींचना और भी भयंकर है। हेलोजन तो कुछ भी नहीं इनके सामने। तो यहां पे सीएल नुकसान करेगा, कम करेगा हल्का सा, ठीक है। इधर लास्ट में लेफ्ट में फोकस, यहां पे सीएन जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या शो करेगा? माइनस एम। लेकिन NO2 का माइनस एम और भी ज्यादा है। तो यहां पे ई के बाद डी, ठीक है, और उसके बाद फिर ई के बाद सी आया ना, डी आया, डी के बाद कौन आएगा? सी। ये हो गया सबसे सिंपल वाले केस, मतलब ये तो पता होना ही चाहिए कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? हाँ जी, कौन ज्यादा मतलब NO2 माइनस एम ज्यादा क्यों करता है ये जाना चाहते हो? अच्छा बताता हूं, देखो वैसे तो खैर ये बता रखा है पहले ही, लेकिन स्टिल लेट मी टेल यू अगेन। यहां पे अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 की शक्ल ऐसी होती है, जब ये रेजोनेंस करेगा ना तो यहां पे O पे नेगेटिव आएगा, और वहां पे अगर हम कार्बन की बात करें तो यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, और जब ये रेजोनेंस करेगा तो यहां पे N पे नेगेटिव आएगा। देयर आर टू फैक्टर्स, एक तो यहां पे N पे नेगेटिव है या O पे नेगेटिव है। O पे नेगेटिव इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। सेकंड रीजन इज यहां जो नाइट्रोजन है उस पर प्लस चार्ज है, जब इस पर प्लस चार्ज है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके कारण भी पुल जो होगा ऊपर की तरफ वो ज्यादा होगा। नहीं नहीं, मतलब वो वही बात तो बोली मैंने, पर माइनस आई मत बोलो, माइनस आई का इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन पे प्लस है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उस कारण पुल ऊपर जा रहा है। पर माइनस आई तो इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, तो उसका तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। वो दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, इंडक्टिव रेजोनेंस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, ये बात हो गई अपनी। अच्छा, इसमें एक आधी बात और, एक बात और बतानी है आपको मुझे, क्योंकि जो बेस में सबसे सबसे फेमस है आज के टाइम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, गुआनिडीन एंड उसका कोई वेरिएशन भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये जो है, ये जो होता है, ध्यान रखना आप सभी, ये जो होता है ये बहुत बेसिक होता है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंपाउंड होता है, मतलब ये बहुत बेसिक है, ठीक है ना। अब नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ना, एक्चुअली इसके बेसिक की बात होती है, ये बेसिक है, ये नहीं है नाइट्रोजन ये वाले जो है, क्योंकि इनके लोन पेयर जो है ना वो क्या कर गए? रेजोनेंस कर गए। अब लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक तो इस NH2 का प्लस एम लगेगा, इससे यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इसका प्लस एम लगेगा, इससे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी इन दोनों के प्लस एम की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी अधिक हो जाएगी कि उस कारण ये बहुत बेसिक है। यानी ये जो नॉर्मल नाइट्रोजन होते हैं ये वाले, ये 2 डिग्री वगैरह एलिफेटिक वाले, इनसे भी ये क्या होता है? ज्यादा बेसिक होता है ना। इनफैक्ट अगर यहां पे एक NH2 होगा ना, एक, तो भी इससे ज्यादा होगा, तो भी इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये अगर आ जाए, इसके वेरिएशंस आजकल बहुत ट्रेंड में है। पहले एडवांस में इससे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब मेन में भी इसके या इसके वेरिएशन आ जाते हैं, रिंग में इस फॉर्म में आ जाता है। जैसे यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा आपसे, वो डबल बॉन्ड N और यहां पे आ जाएगा NH लाइक दैट। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि खेल क्या है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, इसमें एक और बात भी है गहरी। अगर यहां पे पाई बॉन्ड आ गया ये, तब ये इतना बेसिक नहीं है, तब ये इतना बेसिक नहीं है। एक तो रीजन ये है कि ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। दूसरा, ये जो N का लोन पेयर जो इसको प्लस M दे रहा था, वो यहां की बजाय यहां पे भी जा सकता है, तो इसका प्लस M क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। यानी अगर यहां पे पाई बॉन्ड इधर भी आ गया, तब ये वैलिड नहीं है। इस बेसिस पे JEE एडवांस में क्वेश्चन आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, उसमें यही था, यहां पे था, ठीक है। और डाउट मतलब बहुतों को आ सकता है, क्योंकि वैसे तो ये सब तो एलिफेटिक से ज्यादा होते हैं, लेकिन ये रिंग वाले में पाई बॉन्ड वाला नहीं होता, ठीक है, बस ये बात बतानी थी आपको। अच्छा, इसमें ना एक और रीजन भी होता है इस वाले में, ये तो हो गया। अगला रीजन एक्सप्लेन करते हैं H+ एक्सेप्ट करने के बाद। जब इसमें यहां पे H+ दोगे ना ऊपर वाले पे, तो यहां क्या बन जाएगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड कुछ ऐसा ये बन जाएगा।
अगर ये बन गया आप ध्यान से देखो, अब इसका आप रेजोनेंस कराओगे ना आप कहीं पे भी, तो पता है कितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तीन, तीनों में ये प्लस चार्ज ना सब नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा। यानी इसके दो रीजन है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस नाइट्रोजन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। द कॉन्जुगेट एसिड इज स्टेबिलाइज्ड बाय, किसे स्टेबिलाइज हो रहा है, हाँ समझ रहे हो सभी, थ्री इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके गाइस, तो आई थिंक होमवर्क आपको बढ़िया से मिल गया है, ठीक है। अच्छा, और अगर किसी को कोई भी लाइक इन द सेंस प्रॉब्लम आए, तो बीच में तो खैर वैसे भी मैं कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ स्टेशन हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू IIT रुड़की, वापस नहीं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे लाइक मेरे पापा जो हैं वो IIT रुड़की में रजिस्ट्रार, मतलब अभी तो हैं, रिटायरमेंट हो रही है फाइनली, तो लाइक ठीक है, तो फंक्शन है, मतलब तो गोइंग टुमारो, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आए, मान लो आपको कुछ कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, नॉर्मल डाउट्स वगैरह तो शायद आपके सॉल्व हो ही जाएंगे, नेचुरली हो जाएंगे, सॉल्यूशन दिया हुआ लगभग मेजॉरिटी चीज़ों का, फिर तो आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली अपने को क्या अप्रोच करनी है, ठीक है। और बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक अब शुरू हो जाएगा आपका साथ साथ, बढ़िया मस्त मजे आ जाएंगे, ठीक है। और किसी को अभी कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है, अभी ओके ओके।